इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोडिंग स्कीम के बारे में। इस सामने डायग्राम में एक टेबल दिखाया गया है जिसके अंदर आपको एक कोडिंग स्कीम दिखाई गई है। तो कोडिंग स्कीम दरअसल होता यह है कि हमारे पास एक प्लान होता है, एक ऐसी स्कीम होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हर करेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी डेसिमल वैल्यू से, और ये जो हर डेसिमल वैल्यू है ये रिप्रेजेंट कर रही होती है कुछ पैटर्न ऑफ बिट्स को, और कुछ पैटर्न ऑफ बिट्स जो हैं ये मिलके क्या करती हैं कि ये दरअसल इनडायरेक्टली उस करेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो इस तरह की जो स्कीम होती है या इस तरह की जो प्लानिंग होती है जिसके अंदर हम ये पूरी एक तरतीब डिज़ाइन करते हैं, इस तरह की तरतीब को कोडिंग स्कीम कहा जाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ करेक्टर्स दिखाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, या कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इस तरह कुछ स्पेशल करेक्टर हो गए, परसेंटेज, प्लस, जीरो, वन। तो ये कुछ हमारे पास करेक्टर्स हैं, और हमने क्या किया है कि हर करेक्टर को एक डेसिमल वैल्यू असाइन कर दी है, यानी ए जो है वो एक करेक्टर है, इसको हमने 97 असाइन कर दिया है, और ये जो 97 है ये फिर कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी कोड में, कुछ पैटर्न ऑफ बिट्स होती हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं यहाँ पे 97 को। तो ये टेबल दरअसल यहाँ पे एक कोडिंग स्कीम है जिसको हम आमतौर पर ASCII कोड कहते हैं। इसकी टाइप्स हम आगे चल के पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम हमारी ये थी कि हाउ ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, एक कंप्यूटर जो है वो कैसे समझ सकता है ह्यूमन लैंग्वेज को, यानी इंसानी जबान के अंदर जो करेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं उसको एक कंप्यूटर कैसे समझ सकता है। हालांकि कंप्यूटर जो है वो क्या है, वो दरअसल एक मशीन है जो कि सिंपल 1-0 की लैंग्वेज को समझता है। तो कंप्यूटर को अपनी बात समझाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये दरअसल क्या करता है, ये अपने अंदर एक कोडिंग स्कीम लॉन्च करता है, एक ऐसी कोडिंग स्कीम जिसके अंदर हमारे पास जितने भी करेक्टर्स होते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वहाँ पे कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ डेसिमल वैल्यूज असाइन कर दी जाती हैं, और फिर उन डेसिमल वैल्यूज को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। तो जैसे ही आप कीबोर्ड से जब कोई नंबर टाइप करते हैं या जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं, मिसाल के तौर पर मैं कीबोर्ड से लिखता हूँ हेलो, अब कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पर हेलो लिखा है। तो कंप्यूटर क्या करेगा कि ये जो इनपुट है जो कि मैंने कीबोर्ड से दिया है ये भेज दिया जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, वहाँ पे करेक्टर बाय करेक्टर चेक करेगा अपनी कोडिंग स्कीम में उसका कोड, उसका जो कोड होगा एक्चुअल वो फाइंड आउट करेगा, यानी एच के कॉरेस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यू कौन सी है, ई के कॉरेस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यू कौन सी है, इसी तरह एल, एल और जीरो, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यू कौन सी है। फिर जब वहां से हमें डेसिमल वैल्यूज हासिल हो जाएंगी वो फिर कन्वर्ट होंगी बाइनरी में, तब जाके कंप्यूटर को ये बात समझ में आएगी कि आपने कीबोर्ड से हेलो टाइप किया है। तो इस तरह से कोडिंग स्कीम हमारी मदद करती है ट्रांसलेशन में, हमारी ह्यूमन लैंग्वेज को कन्वर्ट करने में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करती है। इस वीडियो में आज हमने सीखा कि कोडिंग स्कीम किसे कहा जाता है। इसके बाद जो आगे वीडियोस होंगी उसके अंदर हम क्या करेंगे कि कोडिंग स्कीम के जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे।